ये कहानी एक ऐसी माँ के ऊपर आधारित है जो अपने बच्चों को एक एटिक के अंदर बंद कर देती है, और फिर इन बच्चों के बीच में वहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फ्लावर्स इन एटिक, और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में 6 लोग होते हैं, क्रिस्टोफर, कैथी, कोरल और 2 ट्विंस कोडी और कैरी। इनके डैड, जिसका नाम भी क्रिस्टोफर होता है, वो अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहते थे। आज बहुत दिनों बाद इनके डैड क्रिस्टोफर अपने घर आए हैं और उसको देखकर उसके बच्चे और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ के लिए एक बहुत महंगा नेकलेस लाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर का प्रमोशन हुआ है और उसके काम के साथ साथ उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसी खुशी में ये लोग आज रात अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, पर पार्टी में क्रिस्टोफर की जगह एक ऑफिसर आता है और उसकी वाइफ को बताता है कि एक एक्सीडेंट में क्रिस्टोफर की डेथ हो गई है। अब ये सुनते ही कोरल शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन कैथी कोरल से पूछती है कि आपने आगे क्या सोचा है, तब कोरल उसको बोलती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल है जो एक हाउसवाइफ हो और उसके 4 बच्चे हों। अब इसी टेंशन में कोरल एक एड्रेस पर बार बार चिट्ठियां भिजवाती है और उसकी कई कोशिशों के बाद एक दिन कोरल को उसकी चिट्ठी का रिप्लाई आता है, जिसको पढ़कर कोरल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कोरल अपने बच्चों को बताती है कि जिस एड्रेस पर वो चिट्ठियां भेज रही है वो एड्रेस तुम्हारे नाना का है। इस पर कैथी उसे पूछती है कि आपने तो बताया था कि हमारे कोई नाना नहीं है, जिस पर कोरल उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भागकर शादी की थी, जिसके बाद से तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे, इसलिए तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को इस बारे में पता चले। कोरल उनको ये भी बताती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हारे नाना बहुत ही अमीर हैं, इसलिए हमें आज ही वहाँ के लिए निकलना होगा। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। तभी वहाँ पर हम कोरल की माँ ओलिविया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस होती है, और वो उनको बोलती है कि मुझे इस घर में किसी भी बच्चे की चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मेरे सभी रूल्स को मानना होगा, और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बच्चों को बोलती है कि जब तुम्हारी माँ यहाँ से चली जाएगी तो मैं तुम्हें इस रूम में लॉक कर दूंगी ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर ना निकल सको, क्योंकि तुम्हारे नाना को अभी तक ये नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो। अब ये सुनते ही कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तब कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, पर अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी टपक सकते हैं, और उनके टपकते ही सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ की बात मान लेते हैं। इसके बाद वो खड़ूस नानी उन बच्चों को इस घर के रूल्स बताती है। वो बताती है कि तुम लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते और तुम्हें दिन का 3 बार का खाना दे दिया जाएगा, और लड़का लड़की एक साथ एक बाथरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर छोटे बच्चों को खेलना है तो ऊपर एटिक है और वो वहाँ खेल सकते हैं। फिर जब ओलिविया वहाँ से चली जाती है तो वो सभी लोग एटिक देखने के लिए ऊपर जाते हैं, पर बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो जगह बहुत ही गंदी थी। फिर एक दिन जब बच्चे ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है। अब क्योंकि इन बच्चों ने रूल्स तोड़ा था तो इनको सजा तो मिलनी थी, पर कोरल अपने बच्चों की सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से सजा भी कोरल को मिलती है। फिर ओलिविया कोरल की पीठ पर चाबुक से बहुत मारती है और सभी बच्चों को उसके निशान दिखाती है। फिर जाने से पहले ओलिविया उनको बोलती है कि तुम सब शैतान के बच्चे हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि नाना और नानी डैड से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिस पर कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना मेरे काफी करीब थे, वो ज्यादातर मेरे साथ ही रहा करते थे, जिस वजह से वो तुम्हारी नानी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और इसी कारण वो मुझसे चिढ़ने लगी। फिर एक दिन तुम्हारे नाना अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए जो रिश्ते में मेरे अंकल लगते थे, और उनके मॉम और डैड की डेथ हो चुकी थी। वो लड़का दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था जिस वजह से मैं उसे पसंद करने लगी, और फिर एक दिन हम दोनों ने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद से तुम्हारे नाना ने मुझे जायदाद से निकाल दिया और वो हम दोनों से नफरत करने लगे। अब काफी हफ्ते बीत जाते हैं पर कोरल अपने बच्चों से मिलने नहीं आती, इसलिए कैथी दिनों को काउंट करने के लिए दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। फिर एक दिन कोरल जब उन लोगों से मिलने आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। फिर कैथी कोरल को बोलती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी, जिस पर कोरल उसे बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कोरल और उसके डैड के बीच में ये बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं होगा तभी तुम इस घर में रह सकती हो, और मैंने उनको ये बोला था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। अब ये सुनकर कैथी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि कोरल हमें यहाँ बंद करके अपनी जिंदगी आराम से जी रही है। अब कैथी अपने छोटे बहन भाइयों का माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि कोरल उनसे काफी हफ्तों तक मिलने नहीं आती। और फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है तो वो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आती है, पर इन बच्चों के लिए इन गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अपनी जिंदगी एक कमरे के अंदर घुट घुट कर जी रहे थे। इसके बाद कोरल उनको बताती है कि आज घर में एक पार्टी है, जिसपे कैथी और क्रिस्टोफर उस पार्टी में जाने की जिद करने लगते हैं। अब कोरल इसके लिए मान तो जाती है, पर वो उनको बोलती है कि तुम लोगों को सब कुछ छुप कर देखना होगा, और वो उन दोनों को एक टेबल के अंदर छुपा देती है। फिर वहाँ कैथी देखती है कि उसकी माँ पार्टी में बहुत ज्यादा खुश लग रही है, और वहीं हमें कोरल के फादर भी दिखाए जाते हैं जो कि व्हीलचेयर पर होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म होने वाली होती है तो कैथी और क्रिस्टोफर अपनी माँ को किसी अनजान आदमी को किस करते हुए देखते हैं। ये देखते ही कैथी वहाँ से चली जाती है, पर क्रिस्टोफर को वो घर देखना था इसलिए वो पूरा घर देखने के लिए चला जाता है। पर जब ये बात कोरल को पता चलती है तो क्रिस्टोफर की इस गलती पर कोरल उसे मारने लगती है।
फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफर को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देख लेती है और फिर बाद में वो इस बारे में कोरल को बताती है, जिस पर कोरल उसे बोलती है कि लड़का और लड़की की बॉडी में उम्र के साथ साथ कई तरह के चेंजेस होते हैं, और ये बोलकर वो कैथी को एक ड्रेस पहनने के लिए देती है। फिर जब कैथी उस ड्रेस को ट्राई कर रही होती है तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में फीलिंग्स जागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है और उसको लगता है कि ये भाई बहन तो आपस में ही लगे हुए हैं। फिर ओलिविया कैथी को सजा के तौर पर उसके बाल काटने को बोलती है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उन्हें एक हफ्ते तक खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पर कुछ टाइम बाद वो उनको खाने के लिए खाना दे देती है, पर वो रात को कैथी के बालों पर तार लगा देती है जिस वजह से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। पर इसी दौरान वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों के लिए ही एक दूसरे में फीलिंग्स जागने लगती है। अगले सीन में हम कोरल को देखते हैं जो अपने बच्चों से मिलने वहाँ पर 4-5 महीनों बाद आती है और वो अपने बच्चों को बताती है कि उसने शादी कर ली है और वो 4-5 महीनों से हनीमून पर थी जिस वजह से वो उनसे मिलने नहीं आ पाई। अब ये सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस बात के लिए कोरल के ऊपर भड़कने लगते हैं, पर कोरल उनको शांत करने के लिए ओलिविया के हाथों उनके लिए डोनट्स भिजवाती है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो बहुत ही चालाकी से ओलिविया से उस कमरे की चाबी का प्रिंट एक साबुन में ले लेता है और ये लोग यहाँ से बहुत सारा पैसा चुरा कर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और इसके लिए ये लोग रोज घर में चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन इनको चोरी करते हुए एक किताब मिलती है जिसमें घपाघप की सारी पोजीशंस के बारे में लिखा होता है। अब उस किताब को पढ़कर उन दोनों में फीलिंग्स जागने लगती है और वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन हम उनके छोटे भाई कैरी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होता है, जिसके बाद कोरल ना चाहते हुए भी उसको हॉस्पिटल ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कोरल वहां आकर उनको बताती है कि कैरी को फूड पॉइजनिंग थी जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इन सभी की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, पर ये लोग इतना पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं कि यहाँ से भाग पाए और आज ही ये लोग ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। पर तभी वहाँ पर कोडी उन्हें बताती है कि इस चूहे की मौत हो गई है और ये चूहा वही डोनट खा रहा था जो उस दिन उनकी मॉम ने भिजवाए थे। अब ये सब देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इनकी मॉम ही अपने बच्चों को मरवाना चाहती है ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने नए हस्बैंड के साथ आराम से जी सके। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओलिविया जाती है जिसको देखकर वो तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। ओलिविया लोगों को रोकने की कोशिश करती है पर ये लोग वहाँ के लाइट्स बंद कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि ओलिविया को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब ओलिविया अंधेरे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इस पर क्रिस्टोफर उसको बोलता है कि तुम तो हमें मारने वाली थी, जिस पर ओलिविया उन्हें बताती है कि डोनट्स में जहर मिलाने का प्लान तुम्हारी माँ का था। पर यह बात सुनकर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए उनकी माँ पहले से ही मर चुकी थी। फिर वो तीनों ऊपर से एक रस्सी फेंक कर नीचे आ जाते हैं और वहां से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।